नदियों तो किले आपने बहुत देखे होंगे, मगर जो बात कांगड़ा जिले में त्रिगर्त के मुहाने पर बसे नगर कोट किला में है वह और कहीं नहीं। किले के शीर्ष तक पहुंचना रोमांचक है। किले की चार दीवारी में घने जंगल, गहरे तालाब, बाबड़ी व बुलंद दरवाजों से आप यहां इतिहास के रोमांच से रूबरू हो सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, तैयार हो जाएं नगर कोट किले की यात्रा के लिए। कांगड़ा पहले नगर कोट के नाम से प्रसिद्ध था। इसे राजा सुशर्मा चंद ने महाभारत काल के दौरान बसाया था। छठी शताब्दी में नगर कोट जालंधर अथवा त्रिगत राज्य की राजधानी होती थी। राजा संसार चंद 18वीं शताब्दी के चतुर्थ भाग में के राज्य काल में यहाँ कला कौशल का बोलबाला था। यहाँ की कांगड़ा कलम विश्व विख्यात है और चित्र शैली में भी खास स्थान रखती है। 1905 के भूकंप में कांगड़ा उजड़ गया था। उसके बाद नई आबादी बसाई गई। भूकंप से किले को भी काफी नुकसान पहुंचा था। बाद में किले का जीर्णोद्धार किया गया। हर साल हजारों लोग नगर कोट को देखने आते हैं, मगर किले के कई रहस्य आज भी बरकरार हैं। किले में शेर दरवाजे लांघ कर पहुंचना पड़ता है। सबसे पहले रणजीत दरसह द्वार है, उसके बाद आहनी दरवाजा, अमीरी दरवाजा, जहांगीर, अंधेरी व दर्शनी दरवाजा है। इन दरवाजों को लांघने के बाद ही मुख्य किले के परिसर में पहुंचा जा सकता है। इन दरवाजों को लांघने के बाद किले पर ऊपर की ओर चढ़ते हुए इसकी पौराणिक भव्यता व रहन सहन का अंदाजा भी होता जाता है। किले में सबसे ऊंचाई वाली जगह पर पहुंचकर वहां से सामने पहाड़ी पर जयंती माता मंदिर व कांगड़ा शहर का दिलकश नजारा दिखता है। कटोच वंशजों की देवी अंबिका का मंदिर भी किले में है। ये देवी कटोच वंशजों की कुल देवी है। मंदिरों में अन्य प्राचीन मूर्तियों को भी सहेज कर रखा गया है। किले के सबसे ऊपरी भाग में गुप्त सुरंग थी। इस सुरंग से महल में रहने वाली रानियां सुबह स्नान के लिए बनेर खड्ड में जाया करती थी। सुबह 5 बजे रानियां जब स्नान के लिए जाती थी तो उस समय घंटी बजाई जाती थी ताकि वहां कोई और न जा सके। किले के पास से ही नंदरूल सहित अन्य गांवों के लिए रास्ता भी था। रानियों के स्नान में खलल न पड़े इसलिए गुप्त सुरंग बनाई गई थी। अब ये सुरंग इतिहास के पन्नों में दफन होकर रह गई है। किले की धरोहरों को संजोकर रखा गया है। किले के अंदर पुरातत्व विभाग द्वारा संग्रहालय बनाया गया है। किले के बाहर कटोच वंश द्वारा बनाया गया संग्रहालय है। किले में श्री 1008 भगवान श्री आदिनाथ महाराज की मूर्ति है। यहाँ पर हर साल जैन समुदाय के लोग 99 यात्रा व अनुष्ठान का आयोजन करते हैं। भगवान श्री आदिनाथ महाराज की इस स्थली को जैन समुदाय का तीर्थ रूप बनाया गया है। किले के साथ जंगल में राजा ने कपूर तालाब का निर्माण करवाया था। इस तालाब में बारिश का पानी एकत्रित किया जाता था। इसकी बनावट ऐसी थी कि यहाँ से पानी फिल्टर होकर कुएं में जाता था, इस कारण पानी की समस्या नहीं होती थी। राजा ने विशेष तकनीक का प्रयोग कर पानी को फिल्टर करवाने का प्रबंध किया था। मान्यता है कि इस तालाब में रानी स्नान करने जाती थी। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए डेरा बिलासपुर से सुनील कुमार की रिपोर्ट।